नमस्कार किसान भाइयों, गोल्ड प्राइस इन इंडिया में आपका स्वागत है। केसीसी कर्ज किसानों और किसान भाइयों की ताज़ा खबरों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। किसान भाइयों, इस वीडियो में हम बात करेंगे, केंद्र सरकार ने किसानों के लिए एक बहुत बड़ा ऐलान किया है, जिसके बाद आप सभी किसानों को बड़ी राहत मिलेगी। जी हाँ, 15 लाख रुपये की सहायता राशि केंद्र सरकार देगी किसानों को। अगर आपने केसीसी कर्ज लिया हुआ है या आप किसान सम्मान निधि योजना से जुड़े हुए हैं या आप एक रजिस्टर्ड किसान हैं, तो आपको सरकार की तरफ से 15 लाख रुपये की सहायता राशि दी जाएगी। ये फायदा आपको कैसे मिलेगा, केसीसी कर्ज में नया नियम लागू क्या हुआ है, पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे, तो इस वीडियो को आप पूरा लास्ट तक देखिएगा। जी हाँ, भारत सरकार की एक बेहद ही बड़ी योजना लागू होने जा रही है, जो किसानों के लिए एक वरदान साबित होगी। भारत की एक बड़ी आबादी अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर है, इनमें बड़े संख्या में छोटे किसान भी शामिल हैं। इसे देखते हुए केंद्र सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार कई तरह की योजनाएं चला रही है। इसी योजना के तहत सरकार ने एक नई स्कीम लागू की है, पीएम किसान FPO स्कीम। जी हाँ, इसका नाम है पीएम किसान FPO स्कीम। पीएम किसान FPO योजना के तहत सरकार देश भर के किसानों को नया कृषि व्यवसाय शुरू करने के लिए 15 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करती है। यानी किसान भाइयों, अगर आप अपना कोई भी नया खेती से जुड़ा हुआ काम शुरू करते हैं तो आपको 15 लाख रुपए की सहायता राशि सरकार देगी। पीएम किसान FPO योजना का उद्देश्य किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के साथ आर्थिक संकट से किसानों को राहत दिलाना है। FPO योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को मिलकर एक संगठन या कंपनी बनानी होगी, जिसमें कम से कम 11 किसान होने चाहिए। यानी किसान भाइयों, आपको अपने साथ के 11 किसानों को आपके साथ लेना है, 11 किसानों का एक समूह बनाना है। मान लीजिए आपके आस पड़ोस में, आपके खेती में जो भी किसान जुड़े हुए, आपके भाई हो या परिवार के हो या गांव के हो या रिश्तेदार हो, 11 किसानों को आपको इकट्ठा होना है। तो 11 किसानों को इकट्ठा होकर अपनी एक कंपनी बनानी है या कोई संस्था बनानी है, उसको सरकार की तरफ से 15 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। ये आपको कैसे लेना है वो भी हम आपको बताएंगे। इसके जरिए आपको बता दें कि इस योजना का लाभ केवल पीएम किसान लाभार्थियों को ही मिलेगा। यानी अगर आप प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जुड़े हैं तो ही आपको इसका लाभ जो है मिल सकेगा। इसके जरिए किसानों को खेती से जुड़े उपकरण या दवाइयाँ, खाद और बीज जैसी चीज़ें खरीदने में मदद की जाती है। जानकारी के मुताबिक सरकार का 2023-24 तक का 10,000 FPO बनाने का लक्ष्य है। यानी किसान भाइयों, आप 11 किसानों का एक संगठन बना करके खाद बीज खरीद सकते हैं या खेती बाड़ी का कोई सामान खरीद सकते हैं। उससे अगर आप अपनी एक कोई कंपनी बनाते हैं, आप उसे बेचते हैं, तो सरकार आपको 15 लाख रुपए देगी। प्रधानमंत्री किसान उत्पादन संगठन योजना PMFBO के लिए आवेदन करने के लिए सबसे पहले राष्ट्रीय कृषि बाजार की आधिकारिक वेबसाइट यानी enam.gov.in पर आपको जाना है। तो आप एक वेबसाइट को नोट कर लें, www.enam.gov.in। होम पेज पर FPO के विकल्प पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद रजिस्ट्रेशन या लॉगिन का विकल्प आएगा, सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन का विकल्प चुनना है। अब होम स्क्रीन पर एक एप्लीकेशन फॉर्म खुलेगा, इसमें मांगी गई सभी जानकारियां आपको भरनी होगी। आवेदन पत्र के साथ मांगे गए सभी दस्तावेजों की सॉफ्ट कॉपी संलग्न करें और फॉर्म आपको जमा करना है। किसान चाहे तो इस कार्य में ई मित्र या लोक सेवा केंद्र की भी मदद ले सकते हैं। यानी आपके पास जो ई मित्र केंद्र है या कॉमन सर्विस सेंटर है, जहाँ से आप कोई फॉर्म वगैरह भरते हो, आपके कंप्यूटर का कोई काम होता हो, वहाँ से भी आप ये फॉर्म भरवा सकते हैं। पीएम किसान FPO योजना में पंजीकरण के लिए FPO के प्रबंध निदेशक या मुख्य कार्यकारी अधिकारी या प्रबंधक का नाम पता, ईमेल आईडी और संपर्क नंबर देना होगा। साथ ही इनसे जुड़ी दस्तावेज भी आपको देने होंगे। इसके अलावा FPO के शीर्ष अधिकारी का बैंक विवरण भी आपको देना होगा। इसमें बैंक का नाम, ब्रांच, अकाउंट नंबर और IFSC कोड भी देने होंगे। तो इस योजना के लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। केंद्र सरकार की तरफ से किसानों के लिए यह एक बहुत अच्छी योजना चलाई गई है किसान भाइयों, जिसका फायदा देश के लाखों करोड़ों किसान उठा सकते हैं। तो आपके इस पर राय के आप कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। धन्यवाद।